वहीं देश में 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें भी शामिल है। बता दें कि पहले चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं 70,000 पुलिसकर्मी और 60 पीएसी कंपनी सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी। पहले चरण के लिए किए गए पुलिस प्रबंध के संबंध में एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पहले चरण के लिए मतदान के लिए 9 जिलों में कुल 238 बैरियर नाका स्थापित किए गए हैं। इनमें से पीलीभीत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्र में 11 बैरियर और सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और मुजफ्फरनगर के अंतर्राज्यीय सीमा पर 88 बैरियर लगाकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। 19 अप्रैल को लोकसभा 2024 के प्रथम चरण का मतदान स्वतंत्र, निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु वृहद पुलिस प्रबंध किया गया है। प्रदेश के 9 जनपदों में स्थित 8 लोकसभा क्षेत्रों में 7,689 मतदान केंद्रों के 14,849 मतदेय स्थलों पर होने वाले मतदान के दृष्टिगत कुल 248 बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसमें से जनपद पीलीभीत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रभावित क्षेत्र में 11 बैरियर व जनपद सहारनपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मुजफ्फरनगर तथा पीलीभीत के अंतर्राज्यीय सीमा पर 88 बैरियर स्थापित कर अनवरत चेकिंग कराई जा रही है। समस्त अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय बैरियर पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों का अधिस्थापन कराकर चौकसी व निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। प्रथम चरण के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 6,018 निरीक्षक व उप निरीक्षक, 35,750 मुख्य आरक्षी व आरक्षी, 24,992 होमगार्ड, 60 कंपनी पीएसी बल तथा 220 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आरपीएफ का व्यवस्थापन किया गया है।